स्पिरिट्स आई नजर आ गए आज के द हिंदू की मुख्य सुर्खियों पर। शुरू करते हैं फ्रंट पेज से। इंडिया रिवोक्स पाक्स एनएफएन स्टेटस डे आफ्टर टेररिस्ट स्ट्राइक इन जम्मू एंड कश्मीर। शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन एनएफएन स्टेटस निरस्त कर दिया है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के ओर लक्षित आतंकवादी समूहों का समर्थन करना नहीं छोड़ा तो इसके जवाब में भारत और कार्यवाही कर सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार के आत्मघाती हमले में पुलवामा जिले में तकरीबन 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, जिसे जम्मू और कश्मीर के इतिहास में सबसे दुष्टतम घटनाओं में से एक माना जा सकता है। इस आत्मघाती हमले का हमलावर एक स्कूल ड्रॉप आउट था जो पिछले एक साल से मिसिंग था। उसने विस्फोटक से लदी हुई अपनी कार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले में ले जाकर टकरा दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीजेआई ब्लेम्स लॉयर्स फॉर डिले इन लिस्टिंग रफेल पिटीशंस। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को कोर्ट में ये खुलासा किया है कि रफेल निर्णय में बदलाव के लिए सरकार का आवेदन और 14 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए याचिकाकर्ता के रिव्यू प्लीज कोर्ट रजिस्ट्री में पड़ी हुई है, जो कि वकीलों द्वारा किए जाने वाले सुधार का इंतजार कर रही है। तो इसे लेकर मुख्य न्यायाधीश ने ये बात साफ कर दी है कि केस की लिस्टिंग में हो रही देरी का कारण कोर्ट नहीं बल्कि वकील है। नेक्स्ट इज वंदे भारत, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन टेक्स ऑफ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। अपने अवधारणा चरण में इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया था, जो कि 16 कोच की एयर कंडीशन सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है जिसे कि लोकोमोटिव की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्रेस दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई जानी है और इस पूरी यात्रा के दौरान ये कानपुर और अलाहाबाद स्टेशन्स पर रुकेगी। ये ट्रेन पूरी यात्रा 780 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में तय करेगी, जो कि वर्तमान में 11.5 घंटे है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रेन के आ जाने से यात्रा का वक्त 180 मिनट से कम हो जाएगा। हालांकि ये ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती है, लेकिन दिल्ली वाराणसी के रूट पे इसकी सबसे तेज स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर पर प्रतिबंधित की गई है। द हिंदू के करंट अफेयर्स के वीडियोज हिंदी में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AASIAMIS को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें। आइए नजर डालते हैं ट्रेन 18 की कुछ फैसिलिटीज पर। ट्रेन 18 में 16 एयर कंडीशन कोचेस होंगे, जिसमें से 2 कोचेस एग्जीक्यूटिव क्लास के होंगे। इस ट्रेन की कैपेसिटी होगी 1128 यात्रियों की। इस ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और कमर्शियली ये ट्रेन 17 फरवरी से दिल्ली से वाराणसी के बीच हफ्ते में 5 दिन चलाई जाएगी। दिल्ली से वाराणसी की इस एयर कंडीशन ट्रेन में चेयर कार की टिकट की प्राइस होगी 1770, वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास की प्राइस होगी 3310 रुपये। ट्रेन 18 को भारत सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि ऐसी और 30 ट्रेनें शुरू करने के टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आइए देखिए इसकी मुख्य फैसिलिटीज क्या है। इसमें ऑटोमेटिक डोर्स होंगे, GPS बेस्ड ऑडियो विजुअल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनबोर्ड वाईफाई हॉटस्पॉट, एग्जीक्यूटिव क्लास में ऐसी सीटें जो घुमाई जा सकती है जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, पेंट्री फैसिलिटी इन ईच कोच, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, ड्यूअल मोड लाइटिंग पर्सनलाइज्ड फॉर ईच सीट और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम टू सेव पावर। नेक्स्ट इज गगनयान रिव्यू पैनल टू मीट इन मार्च। 5 और 6 मार्च को पहली बार
गगनयान पे एक राष्ट्र समीक्षा समिति की मीटिंग होने जा रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस मानव मिशन की डिटेल्स हितधारकों को देना चाहती है। आपको बता दें कि गगनयान मिशन 15 अगस्त 2018 को हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन अनाउंस किया गया था। गगनयान मिशन से पहले सन 2020 में कुछ माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स को लेते हुए दो ह्यूमन फ्रेंडली कैप्सूल्स की मानव रहित ट्रायल फ्लाइट्स की जाएंगी और फिर गगनयान को भेजा जाएगा। जो एस्ट्रोनॉट्स गगनयान में भेजे जाने हैं उन्हें बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाई ओनली ब्यूरोक्रेट्स ऑन इंफॉर्मेशन पैनल्स आस्क सुप्रीम कोर्ट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन को कायम रखने के लिए बनाए गए हैं, अब सरकारी कर्मचारियों का एक गढ़ बन चुके हैं। इस अजीब घटना को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ए के सिकरी और एस अब्दुल नजीर के 52 पेज के निर्णय द्वारा उजागर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि जब से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, तब से ही नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों की तरफ एक ऑफिशियल बायस, एक आधिकारिक पूर्वाग्रह के पक्ष में देखा गया है। बढ़ते हैं आखिरी पेज की आखिरी खबर पे। नासा हेडिंग बैक टू द मून। यूएस स्पेस एजेंसी होप्स टू रेन शॉर्ट स्टेज ऑन द लूनर सरफेस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा अमेरिकन को फिर से चांद पे भेजने की योजनाओं में तेजी ला रही है और इस बार ये यूएस की स्पेस एजेंसी कह रही है कि अब वो वहां पे रहेंगे चांद के ऊपर। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रैडेनस्टाइन का ये कहना है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की योजना अनुसार निजी कंपनियों के द्वारा हम फिर से चांद पर वापसी करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि उनके एस्ट्रोनॉट्स 2028 तक फिर से चांद पर होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार वो वहां जाकर रहने वाले हैं, ना कि सिर्फ वहां झंडे या कदमों के निशान छोड़कर आएंगे जैसा कि उन्होंने 50 साल पहले किया था। इसी के साथ हमारे आज के द हिंदू के मुख्य खबरों का विश्लेषण यही समाप्त होता है।